पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपान मेव जुद्धाहि किं ते जुद्धेन बद्धो, अपान मेव अपानम ज इत्ता सुह में है। हमारी दुनिया में बुद्ध भी हुए हैं तो युद्ध भी होते हैं। अनेक आत्माएं बोधि को प्राप्त कर बुद्ध बन जाती हैं। जेय बुद्धा अइकंता जेय बुद्धा अनागया। अतीत में कितने बुद्ध हो गए हैं और अनागत काल में भविष्य में कितने कितने जीव बुद्ध होंगे। जो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं, वे सब मानो बुद्ध ही होते हैं। और ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि, इनसे संपन्न हो जाना और ज्ञान में केवल ज्ञान से युक्त हो जाना, अगर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है तो चारित्र बोधि तो हो ही गई, दर्शन बोधि हो ही गई। एक केवल ज्ञान जिस आत्मा में उत्पन्न हो गया है, बस फिर परम चारित्र की स्थिति भी आ गई उस आदमी में, परम दर्शन की भी स्थिति उसमें होती है। परंतु परम दर्शन जिसमें है उसमें केवल ज्ञान है ही, यानी क्षायिक सम्यक्त्व है, तो उसमें क्षायिक सम्यक्त्व को परम सम्यक्त्व के रूप में मैं देखता हूँ। तो क्षायिक सम्यक्त्व है वो आदमी केवल ज्ञानी भी है ही, यह नियम नहीं है। क्षायिक सम्यक्त्व है तो क्षायिक चारित्र भी है ही, यह नियम नहीं है। तीन चीजें हो जाती हैं, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और क्षायिक चारित्र। क्षायिक ज्ञान परम ज्ञान है, क्षायिक दर्शन परम दर्शन है और क्षायिक चारित्र परम चारित्र है। ये तीनों परम हैं। इन तीनों में यदि क्षायिक ज्ञान उपलब्ध हो गया है तो क्षायिक दर्शन और क्षायिक चारित्र तो आ ही गए, वो तो हैं ही, उनके बिना तो क्षायिक ज्ञान पैदा हो ही नहीं सकता। इसलिए यों तो ज्ञान दर्शन चारित्र है और यों हम क्षायिक ज्ञान, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षायिक ज्ञान है तो क्षायिक चारित्र होगा ही होगा, क्षायिक सम्यक्त्व होगा ही होगा। क्षायिक ज्ञान होने पर क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र की नियम है, होगा ही होगा। परंतु क्षायिक दर्शन हो गया तो क्षायिक ज्ञान उसमें उस समय है ही, यह नियम नहीं, हो अथवा न भी हो। क्षायिक दर्शन है तो क्षायिक चारित्र भी है ही,
यह नियम नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनमें तो भजना है, विकल्प है, हो न हो, परंतु सायिक ज्ञान के साथ कोई विकल्प नहीं, वो नियम है। सायिक ज्ञान वाला आदमी है तो सायिक दर्शनी तो वह है ही, सायिक चारित्री वह है ही। सायिक चारित्र कौन सा है? यथाख्यात चारित्र भी क्षीण मोह। वीतराग का जो यथाख्यात चारित्र है वह सायिक चारित्र। ग्यारहवें गुणस्थान में भी यथाख्यात चारित्र तो है, परंतु वह सायिक चारित्र नहीं, वो उपसम भावजन्य उपशांत मोह के रूप में सायिक चारित्र है। यानी उपशांत मोह के रूप में उपशम चारित्र है। सायिक चारित्र तो बारहवें गुणस्थान से शुरू होता है, फिर तेरहवें में भी है, चौदहवें में भी है। हमारे तत्वज्ञानी चारित्र आत्माएं भी चिंतन कर सकते हैं कि एकदम बात संगत लग रही है या नहीं, कि सायिक ज्ञान जिसके पास है तो सायिक ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान ही सायिक ज्ञान है। मन है पर्यव ज्ञान सायिक ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान सायिक ज्ञान नहीं, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान सायिक ज्ञान नहीं। ये चारों ज्ञान सायोपशमिक ज्ञान है। इसलिए ज्ञान के दो प्रकार किए जा सकते हैं, एक सायिक ज्ञान और दूसरा सायोपशमिक ज्ञान। अज्ञान जो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान हैं, वे तीनों सायोपशमिक ही हैं। वे न औदयिक भाव जन्य है और न सायिक भाव जन्य है। उपशम भाव की तो बात ही नहीं है। तो अब एक बात उठती है, सायिक ज्ञान पाने के लिए, सायिक दर्शन पाने के लिए, सायिक चारित्र पाने के लिए क्या करना चाहिए? सायिक दर्शन मिल गया वो वापिस कभी जाएगा नहीं, हमेशा के लिए मिल जाता है, वो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। सायिक ज्ञान है वो परमानेंट रूप में होगा, हमेशा रहेगा, वह जा नहीं पाएगा। सायिक चारित्र है वो मिल गया है, फिर उससे नीचे की स्थिति कभी भी नहीं आ सकती, ऊर्ध्वारोहण ही होगा, उससे नीचे अधःपतन चारित्र की दृष्टि से फिर कभी भी नहीं होगा। तो यह जो सायिक भाव की स्थितियां हैं, सायिक ज्ञान, सायिक दर्शन, सायिक चारित्र, और एक और जोड़ दूं तो सायिक शक्ति। सायिक शक्ति तो अंतराय कर्म के क्षय होने से मिलने वाली है, और यों दर्शनावलनीय कर्म के क्षय से भी सायिक दर्शन मिलता है। वह सायिक दर्शन अलग है, सायिक सम्यक दर्शन वाला दर्शन अलग है। तो यह एक तात्विक बात आ गई। अब प्रश्न जो है कि इन्हें पाने के लिए, सायिक अवस्था को पाने के लिए क्या करें? तो फिर युद्ध की बात है। शास्त्रकार ने युद्ध की बात भी कही है। यह युद्ध लड़ाई झगड़ार, गुस्सा अहंकार करनार, बम विस्फोट करनार मारना, वो युद्ध नहीं है। यह युद्ध भी मानो विनम्र यानी अध्यात्म का युद्ध है, जिसमें कोई बाह्य शस्त्र नहीं चाहिए,
चाहिए तो कुछ शास्त्र चाहिए, बाहर के युद्ध के लिए तो शस्त्र चाहिए, और अध्यात्म के युद्ध के लिए एक सीमा तक शास्त्र की अपेक्षा शास्त्र सहयोगी बन सकते हैं। हम शस्त्र नहीं शास्त्र का उपयोग करें अध्यात्म के युद्ध में, कि शस्त्र बाह्य युद्ध की चीज, धर्म के युद्ध में, अध्यात्म के युद्ध में शास्त्र और शासन। शास्त्र क्या होता है? शासनात् त्राण शक्तिश्च शास्त्र मित्य भी दीयते, जिसमें शासन की शक्ति है, जो शासन करता है और त्राण देता है वह शास्त्र होता है। तो हम शास्त्रों का उपयोग करें और वो शास्त्रों का स्वाध्याय हमें अध्यात्म युद्ध में सहयोग देने वाला भी बन सकता है। तो युद्ध की बात, आत्मना सह युद्धस्व, अपने साथ युद्ध करो, दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ युद्ध करें। बाह्य युद्ध से क्या मतलब? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दर्शन पाना है तो बाहर का युद्ध नहीं, वो तो छोड़ना होगा, त्याग करना होगा, भीतर का युद्ध करना होगा, अध्यात्म युद्ध करना होगा, धर्म युद्ध करना होगा, अपने आप से लड़ना होगा और अपने आप को जीत करके सुख प्राप्त हम कर सकेंगे। तो अपने साथ कैसे लड़े, लड़ने के उपाय, साधन, हथियार क्या होंगे? युद्ध है, युद्ध में योद्धा भी चाहिए और योद्धा के पास हथियार भी चाहिए, तब युद्ध ठीक हो सकेगा। तो अध्यात्म युद्ध में योद्धा कौन है और युद्ध के हथियार कौन है और शत्रु कौन है? तीन चीजें हो गई युद्ध में, कि योद्धा कौन, हथियार क्या और सामने वाला शत्रु कौन। इन तीनों का ज्ञान, हमारा शत्रु कौन, शत्रु का पता ही नहीं है तो हथियार का प्रयोग किस पर करेंगे, तो शत्रु कौन है, शस्त्र हमारे पास क्या है, भले वो अध्यात्म के रूप में ही होगा, शास्त्र भी शस्त्र की तरह मानो किसी अंश में काम आ सके। तो शत्रु कौन, शस्त्र कौन और योद्धा कौन, इन तीन चीजों पर हम ध्यान दें। तो पहली बात, शत्रु कौन है अध्यात्म युद्ध में? मोहनीय कर्म हमारा शत्रु है, दुश्मन है। मोहनीय कर्म, आठ कर्मों में जो एक कर्म है मोहनीय कर्म, आठ कर्मों में सेनापति, यह मोहनीय कर्म है। आठ कर्मों में राजा, यह मोहनीय कर्म है। और आठ कर्मों में हेड, सिर के स्थान पर, यह मानो मोहनीय कर्म है। तो हमारा शत्रु यह मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म का परिवार भी यूं बड़ा है, परिकर भी शक्तिशाली है, बड़ा है। यह सारा कसाय, नोकसाय और दर्शन, मिथ्या दर्शन, दर्शन मोहनीय, कसाय और नोकसाय, यह सारा मोहनीय कर्म का परिकर है। यो मोहनीय कर्म के मूल तो दो भाग हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के फिर दो भाग हो जाते हैं, कसाय और नो कसाय। ये कुल हम दो भाग या तीन मान लें, दर्शन मोहनीय, कसाय वेदनीय, नो कसाय। तो ये कितना बड़ा युद्ध है, और लगता यूं है कई बार तो अनेक जन्मों तक युद्ध चलता है, तब जाकर के
संपूर्ण विजयश्री की प्राप्ति हो सकती है। एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष नहीं, कई जन्मों तक आत्मा युद्ध करती है इन शत्रुओं के साथ, क्योंकि शत्रु भी तो बहुत कमज़ोर नहीं है ना, वो भी तो कई मजबूत होते हैं, तो उनको कंट्रोल में करना मुश्किल काम होता है। जो शत्रु भी प्रहार करते हैं, उनके प्रहारों का भी मुकाबला करना होता है। कथय धनियो जीवो कथय धनियायम कम्मायम, शत्रुओं का ऐसा प्रहार होता है, कभी वो योद्धा आत्मा भी मानो दब जाती है, परास्त सी कई बार हो जाती है, फिर आगे युद्ध होता है। यों युद्ध करते 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 एक समय आता है शत्रु सेना समाप्त और आत्मा संपूर्ण क्षायिक भाव को प्राप्त हो जाती है, विजेता बन जाती है। तो यह है युद्ध की बात। तो धर्म के क्षेत्र में है वो अध्यात्म का युद्ध है, वो दुनिया वाला लड़ाई झगड़ा वो युद्ध नहीं, सम्रांगण वाला युद्ध नहीं, यह आत्मांगण वाला युद्ध होता है। तो शास्त्र में जो यह युद्ध की बात बताई गई है, यह सारी हमारी जो साधना होती है, प्रेक्षा ध्यान कर लें, प्रवचन कर लें, स्वाध्याय करें, उपवास आदि तपस्या करें, वो 21 रंगी तपस्या की बात चल रही है, चली है, टारगेट है, प्रयास करना आदमी का फर्ज है, प्रयास करना फर्ज है, फल मिले बाई चांस न भी मिले तो भी कोई अफसोस की बात नहीं, प्रयास में कमी न रहे तो फिर प्रयास करना आदमी का कर्तव्य है, फल तो मिले कभी न भी मिले। तो 21 रंगी की तपस्या भी एक टारगेट, एक कार्यक्रम, मुंबई यानी चतुर्मास के संदर्भ में, चतुर्मास से पहले ही वैसे तो शुरू होने की बात है, तो 21 रंगी तपस्या अच्छा टारगेट है, यानी 21 व्यक्ति 21-21 की तपस्या करने वाले, 21 व्यक्ति 20-20-20 की तपस्या करने वाले, 21 व्यक्ति 19-19 की, 21 व्यक्ति 18, यों करते करते 21 व्यक्ति उपवास उपवास करने वाले। यह तपस्या अनाहार की तपस्या, भोजन नहीं करने वाला उपवास आदि तपस्या है, वो 21 दिन 20 दिन 19 दिन, प्रत्येक में 21-21-21 व्यक्ति, जो भी फिर गहराई में विधि व्यवस्था है। तो यह 1 जुलाई से क्रम शुरू होना संभावित रूप में है, निर्धारित है, यानी आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी, वैसे 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। 1 जुलाई को मान लो 21 की तपस्या करने वाले रवाना होंगे, शुरू करेंगे, फिर 2 जुलाई को 20 वाले करेंगे, 3 जुलाई को 19 वाले, 4 जुलाई को, यूँ करते करते 21 जुलाई को उपवास करने वाले, 22 को वो संपन्नता हो जाती है। तो ये 21 रंगी तपस्या है, साधु साध्वियाँ हैं, साथ में कार्यकर्ता लोग भी हो सकते हैं प्रयास करने में, तो साधु साध्वियाँ हैं, साथ में गृहस्थ भी हैं, संस्थाएं भी हैं, संपर्क करके प्रेरणा दे करके, साधु साध्वियों का तो है ही, वैसे दो खासकर नियुक्त हैं कि नाम लो, इकट्ठा प्रेरणा दो, वापिस टकरा लो, भी पक्के होना बात में, एकदम पक्के होना करना है ना, तो पक्का काम हो। तो यह 21 रंगी तपस्या, यह भी एक प्रकार का छोटा सा युद्ध ही है, खाना छोड़ना भी तो आसान काम थोड़ा ही है, आदमी दिन में 3 बार सुबह नाश्ता, लंच, डिनर और भी बीच में कुछ खा लेता है, यूँ भूखा रहना ठीक है, पानी तो दिन में पीने में आपत्ति नहीं, पानी भी पक्का, कच्चा पानी नहीं पीना होता है, उबला हुआ हो, पक्का किया हो, चुने आदि से अचित पानी में दिक्कत नहीं होती, दिन में पीने में, रात में वो भी नहीं पीना, तपस्या में सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक तो अचित पानी भी नहीं पीना होता है। तो यह तपस्या की बात है, 21 रंगी तपस्या, तो यह एक बड़ा कह दें एक टारगेट है तपस्या के क्षेत्र में। तो साधु साध्वियाँ भी ध्यान देते रहें, श्रावक श्राविकाओं का भी सहयोग मिलता रहे नाम आदि लेने में,
और 1 जुलाई से 21 जुलाई का ये त्रिसाप्ताहिक 21 दिवसीय एक अनुष्ठान कह दें, साधना तपो यज्ञ है, तपो यज्ञ तप साधना है, तो उसका भी प्रयास हो, पुरुषार्थ हो, नाम लेने में, लोगों को तैयार करने में, 21 रंगी में दोनों शामिल हैं, श्रावक श्राविकाएं यानी जेंट्स एंड लेडीज, पुरुष महिलाएं दोनों मिलकर के 21 की, 21 में कुछ भाइयों की तो प्रधानता रह सकती है, साथ में पुरुषों का भी योग, दोनों मिलाकर के 21 रंगी तपस्या की बात, तो ये अनेक प्रकार युद्ध के होते हैं, ये तपस्या के रूप में भी एक प्रकार का मानव युद्ध है, इसके लिए भी सम्यक पुरुषार्थ वांछनीय है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।